हे गाइस, आई एम अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुगाइडर। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखे थे साइंस वन एंड साइंस टू के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। आज हम देखेंगे साइंस टू के एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रोज जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप इसे क्या कर सकोगे, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सकोगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए, तो उन्हें भी क्या होगा, ये वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी जो है वो क्या है? रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है बच्चों? ग्यूरिजन है। ये ग्यूरिजन तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है प्रिपेयर। देन पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ऑफकोर्स इको फ्रेंडली होगा ना, पावर जनरेशन प्लांट है तो। ओके, सो पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के ऊपर ये बेस्ड है तो ये इको फ्रेंडली क्यों है ये आपको बताना है। इट इज ऑल्सो गिव रीजन। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट आपको बुक में दिया गया है उसका जो कंस्ट्रक्शन है सभी प्लांट का क्या है, डिफरेंट है, ये भी आपको बताना है। इट इज ऑल्सो अ गिव रीजन। ये जो ऊपर के 1, 2, 3 है ना बच्चों, ये तीनों क्या है? गिव रीजन है। नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम मिली वैट टू मेगा वैट यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल। ये भी क्यू रीजन है। ओके, इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू रीजन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये आपको अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपके, इसको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इज स्केच टू वेज इन विच सोलर सेल्स कैन बी कनेक्टेड, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स टू फॉर्म सोलर पैनल्स एंड सोलर अरे। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 57 पर, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बच्चों, डायग्राम भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इसकी। प्रिपेयर ऑल द फ्लो चार्ट्स, एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपको फ्लो चार्ट देकर है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, आपको जितने भी फ्लो चार्ट्स देकर है ये चैप्टर में, ओके, ये चैप्टर के पूरे फ्लो चार्ट्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बिकॉज हर बार आपके टेक्स्ट बुक में से फ्लो चार्ट्स जो है ना ये चैप्टर के पूछे गए हैं, तो आपको वो फ्लो चार्ट्स को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज ऑल डायग्राम विथ लेबलिंग। आपको ये चैप्टर के पूरे डायग्राम जो है इसको अच्छी तरीके से देख लेना है, ड्रॉ करके देखिएगा, उनकी लेबलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायग्राम पूछा जाता है, लेबलिंग करने के लिए भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर वेल फॉर ऑल डायग्राम या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जितने भी डायग्राम या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये चैप्टर के, उसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आपको आपके डाइजेस्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आप अपने टेक्स्ट बुक में से जो डायग्राम्स है उसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप क्या करिए, ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे डायग्राम बेस्ड, उसको आप नोट करके रखिए। तो बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग बिल्कुल मन लगाकर करते रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर। ओके गाइस, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।